नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तिगरे नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमित कर दिया गया। नए वार्ड पार्षद वार्ड की कमान संभाली, लेकिन नगर परिषद वार्ड संख्या एक के महादलित मोहल्ला, जो आज भी सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं से कोसों दूर है, जहां के महादलित परिवार के लोग आज भी विकास की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकार के इन महादलितों के लिए विकास का दावा केवल फाइल तक ही सिमटा हुआ है। इस मोहल्ले में 200 से 250 महादलित परिवार हैं, जिसमें मोची, पासमान, मुसड़ एवं पासी समुदाय के लोग शामिल हैं। वार्ड में सड़क, नाला, शौचालय, लाइट, आवास, स्वच्छ पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। नल जल योजना का अब तक पाइप तक नहीं पहुंचा। लोग पुरानी व्यवस्था के तहत चापाकल के पानी पीने को मजबूर है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से रास्ते पर गंदे पानी तैरते रहते हैं। गरीब परिवार के लिए सरकार हर घर शौचालय की परिकल्पना तो की है, लेकिन अंधकार अधिकांश घर शौचालय विहीन है। यहाँ के सैकड़ों लोग खुले में शौच को जाने के लिए विवश हैं। इन मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उंगली पर गिने चुने लोगों को ही मात्र योजना का लाभ मिला, लेकिन नगर प्रशासन की उदासीनता के कारण अगले किस्त की राशि भी उन्हें नसीब नहीं हुई। सैकड़ों परिवार अभी भी कच्चे एवं फूस के जर्जर घरों में रहने को मजबूर है। कई बार आंधी तूफान में यहाँ के लोगों को चोटिल भी होना पड़ा। हर वर्ष सौंदर्य योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर कई बार अभियान तो चलाई गई, बावजूद अधिकांश लाइट खराब रहने की वजह से शाम ढलते अंधेरे में लोग रहने को मजबूर हैं। सड़क पर गली योजना का तो हाल ही बेहाल है। श्याम दास व अर्जुन मांझी ने बताया कि सरकार महादलित के उत्थान के लिए केवल हवा हवाई बात करती है। इस मोहल्ले में सरकार की सभी योजनाएं फिसंडी साबित हो रही है। रमिया देवी व विश्व मांझी ने बताया कि जल निकासी व नाला निर्माण नहीं होने की वजह से हम लोग गंदगी में जी रहे हैं। यहाँ मच्छरों का आतंक इतना बढ़ा हुआ है कि इस मोहल्ला में लगातार मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं संक्रमित बीमारी के शिकार हो रहे हैं। वार्ड के लोगों ने बताया कि 14 लोगों ने आवास योजना के तहत घर बनाना प्रारंभ किया, लेकिन नगर परिषद कार्यालय का चक्कर लगाते रह गए। एक भी लोगों का भुगतान नहीं हुआ। नल जल योजना के लिए जमीन भी मुहैया कराई गई, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से योजना धरातल पर नहीं उतरा। अधिकारियों और कर्मचारियों का असहयोगात्मक पूर्ण रवैया रहा है, जिससे सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना से आज सैकड़ों महादलित परिवार के लोग वंचित हैं। यहाँ के कई स्थानीय लोगों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए इस मोहल्ले की विकास के लिए प्रशासन एवं सरकार की ध्यान आकृष्ट करवाने को लेकर मीडिया के सामने अपनी समस्याओं का पुलिंदा रखा। सरकार ने महादलितों के उत्थान व सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं व परियोजनाएं चला रही है। इन क्षेत्रों में इन समुदायों के लोग आज भी उन योजनाओं से वंचित हैं। यहाँ के बच्चे जहाँ शिक्षा से महरूम हैं, वहीं स्वस्थ भोजन, स्वच्छ कपड़ा एवं पक्के की घरों के लिए लालायित है। ऐसे में नीतीश सरकार का महादलित का विकास मिशन एवं मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने का इस समुदाय के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रह जाता, जिसके प्रतीत होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले ऐसे लोगों के सूरत हाल बदलने में सरकार विफल साबित हो रही है। सरकार की इतनी बड़ी राशि के खर्च के बावजूद भी इन लोगों को इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, यह चिंतनीय है। तिगरे से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।